नहीं डरना है कुछ करना है नीला झंडा लेकर बढ़ना है। जय भीम साथियों, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूँ आप सबका नेशनल टीवी चैनल में। साथियों आज हम सब चलेंगे मिशन की ओर, और मिशन की ओर में आज हम सब चर्चा करेंगे एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, पूजा शब्द, जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। आप सब भी शायद पूजा शब्द से परिचित होंगे। पूजा एक नाम भी है, लेकिन पूजा एक करने का तरीका भी है। तो आइए आज हम सब जानते हैं पूजा करने का तरीका के बारे में। हम सब नाम की ओर नहीं जाएंगे, हम सब पूजा करने के तरीका के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम और आप सब जब देखते हैं या समझते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति कहे कि आइए हम सब पूजा करें, तो हम लोग क्या करते हैं, या हमारे घर की माताएं बहनें हैं, या हमारे मतलब घर में जो भी मतलब लोग हैं, वो लोग पूजा करने के नाम पर मतलब अगरबत्ती वगैरह वगैरह ले लेते हैं, पूजा करने का जो मार्केट में सामान बिकता है उन सामानों को ले लेते हैं, और ले करके किसी देवी या दुर्गा के मंदिर में चले जाते हैं और जा करके वहाँ पर चढ़ावा करते हैं। क्या रियली मायने में यही मतलब है पूजा का? तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम इस शब्द को तोड़ करके देखते हैं। अगर हम सब पूजा शब्द को अगर दो भागों में तोड़ते हैं, तो एक उसका शब्द मतलब अक्षर निकलता है पू, और दूसरा अक्षर निकलता है जा। अगर पू शब्द का हम लोग व्याख्या करें, तो पू का मतलब होता है पूरी, और जा का मतलब होता है जानकारी। तो साथियों इसमें आप देख सकते हैं कि पूजा शब्द कितना ही मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, लेकिन इसे मतलब बिल्कुल मिटा दिया गया है, इस चीज को बिल्कुल अपरिचित रूप से दबा दिया गया है। साथियों पूजा का मतलब किसी देवी दुर्गा के ऊपर फूल माले चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना, इस सब चीज नहीं होता है। पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी प्राप्त करना। पूजा का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, पूरी जानकारी प्राप्त करना। अगर हम किसी भी चीज का पूजा करते हैं, देवी हो, दुर्गा हो, काली हो, बाबा साहब हो, गुरु रविदास जी हो, किसी भी चीज के बारे में अगर हम पूजा करते हैं, तो पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी प्राप्त करना। यानी कि हमें पूरी जानकारी कैसे प्राप्त होगी, अब इस चीज पर थोड़ा सा चर्चा करना होगा। अब मान लीजिए कि हमें डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी का पूजा करना है, तो पूजा हम कैसे करेंगे? उनके बारे में हम कहीं से, इंटरनेट से, दुनिया के किसी भी माध्यम से हम उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के आएंगे, खोज करके लाएंगे, और उनके बारे में पूरा हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कहीं से, बुक से, कहीं से भी मिल जाए, उनके बारे में हम पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर हम पूरा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो वही क्या हो गया? पूजा हो गया। आप सब समझ सकते हैं कितना सरल भाषा में आप सबको बता रहा हूँ। किसी भी चीज का पूजा करना हो, तो उसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। हमारे इतिहास में अगर हम पहले की बातें करें, तो पहले पूजा शब्द जो है कि प्रचलित हुआ, तो इन्हीं चीजों को लेकर के हुआ। किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना ही पूजा कहलाता है, ना कि अगरबत्ती धूप वगैरह वगैरह मतलब लेकर के चढ़ावा करना पूजा कहलाता है। वो पूजा नहीं कहलाता साथियों, वो एक ढोंग है, इस बड़े चीज को, इस साइंटिफिक चीज को दबाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। तो साथियों आज बहुजन नेशनल टीवी चैनल में हमारे तरफ से आप सबको इतना ही जानकारी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, हमारे नेशनल टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सब खुश रहें, मस्त रहें। जय भीम।